हेलो स्टूडेंट्स, केडी द मैट्यूबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपको इससे पहले डिफरेंशिएशन के पार्ट 5 करा चुका हूं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां जाके वो पार्ट पहले देख सकते हैं। तो आज अपन बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलेंगे यहाँ पर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर। और मैंने आपको ये प्रीवियस एग्जाम में आए हुए कई क्वेश्चंस भी साइड में दे रखे हैं, इनको भी अपन डिस्कशन करेंगे। बाद में आप एक वीडियो को देखने के बाद आरबीएसई एनसीईआरटी की जो भी एक्सरसाइज है वो आप इससे रिलेटेड देख सकते हो, क्लियर। और जो भी प्रॉब्लम आए उसे कमेंट बॉक्स में आप बाद में पूछ लें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ स्टूडेंट क्या है अपना कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, देखिए लॉगरिथमिक का कंसेप्ट क्या है पहले एक बार वो देखते हैं। यहाँ अपने को इसके डिफरेंशिएशन देखने से पहले कुछ सीरीज लॉ देखने पड़ेंगे जिनको के कहते हैं अपन श्रृंखला नियम, यानी इन लॉ की थोड़ी बेसिक कंसेप्ट इसमें आना अपने को ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि लॉग में कभी भी m इंटू n की प्रोसेस है, तो यहाँ पर आपका ये जो है log m प्लस log n में कन्वर्ट हो जाता है। अगर कहीं भी log m अपॉन n की कोई प्रोसेस बन रही है तो ये स्टूडेंट log m माइनस log n में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी तरह से log m की पावर n अगर आ रही है तो पावर को अगर आप आगे ले जाओगे तो ये स्टूडेंट हो जाता है अपना n log m। इनको बोलते हैं SL1, SL2 एंड SL3, यानी श्रृंखला नियम। अब इन तीन नियम से अपन जो है इनको करेंगे। अब यहाँ पर देखिए दूसरी पिक्चर ये आती है कि इनका यूज अपने को करना क्यों है। ठीक, देखिए इनका लॉग का यूज क्या है, दो तरीके के फलनों में होता है। यहाँ पर मैं आपको दो तरीके के फलन इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। एक तो आपके होते हैं यहाँ पर चर घातांकी फलन और दूसरे होते हैं स्टूडेंट यहाँ पर व्यापक चर घातांकी, क्लियर। चर घातांकी को आप कहते हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और व्यापक चर घातांकी को हम कहते हैं जनरल एक्सपोनेंशियल। अब हमें यह कैसे पता चलेगा कि कौन सा एक्सपोनेंशियल है और कौन सा जनरल एक्सपोनेंशियल है, ये ध्यान रहे इन दोनों के आने पर ही अपने को लॉग यूज करना है 100%। अब इसकी पहचान कैसे होगी, देखिए चर घातांकी जो होगा उसमें नीचे तो होगी अचर यानी कॉन्स्टेंट वैल्यू और ऊपर होगी चर। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर मैं कहूँ जैसे 2 की पावर sin x, तो अब आप देख सकते हो यहाँ 2 क्या है, 2 है अचर यानी कॉन्स्टेंट और sin x वेरिएबल यानी चर है। तो ये तो हुआ चर घातांकी फलन, क्लियर स्टूडेंट। जैसे a की पावर x, e की पावर x, ये सब आपने देखे हैं, जैसे a की पावर x है, e की पावर x है, इन सबको क्या कहते हैं, चर घातांकी एक्सपोनेंशियल। अब व्यापक चर घातांकी में देखिए क्या होता है कि चर के ऊपर ही चर होगा, यानी नीचे भी वेरिएबल होगा और उसकी पावर में भी क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। कैसे, देखते हैं कि एग्जांपल जैसे मान लो x की पावर मैंने ले ली cos x, अब आप देख रहे हो नीचे भी चर राशि है और ऊपर भी क्या है, चर राशि। या मान लो मैंने कहीं ले ली सपोज दैट x की पावर y, तो नीचे स्वतंत्र चर है और ऊपर भी आश्रित चर है। जैसे आप वहां देखें साइड में कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये क्या है, वाई की पावर एक्स है, तो ये क्या हुआ आपका व्यापक चर घातांकी। अब यहाँ आप देख रहे हो e की पावर x माइनस वाई है, तो e की पावर e क्या है, अचर, तो अचर के ऊपर चर है, तो ये क्या होगा, चर घातांकी यानी एक्सपोनेंशियल। अब जैसे ये x की पावर x है, यहाँ भी चर के ऊपर चर है, तो ये भी क्या हुआ, व्यापक चर घातांकी। और नीचे नंबर 5 पर अगर हम देखें तो यहाँ पावर 1/2 लगेगी, तो x तो चर है और ऊपर क्या है, अचर। तो ये ध्यान रहे चर के ऊपर अगर अचर हो, जैसे अगर चर के ऊपर अचर राशि है, चर के ऊपर अचर है, जैसे कॉन्स्टेंट ले लेने एक्स स्क्वायर, तो ये ध्यान रहे कि ये न तो चर घातांकी है और न व्यापक चर घातांकी है। अब बाकी आप चाहो तो लॉग से कर इसको भी सकते हो, लेकिन अपने को जनरली लॉग से करना है चर घातांकी और व्यापक चर घातांकी। बाकी इनके लिए तो अपन के पास डायरेक्ट मेथड भी कई हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ ले लिया है। तो यहाँ मैं आपको 5 क्वेश्चन में तीनों मेथड समझा दूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर आप देखो चर घातांकी भी ले लिया है, व्यापक चर घातांकी भी ले लिया है
और ये मैंने बहुपदी फलन भी ले लिया है। ठीक, ये बहुपदी और ये परिमेय, तो देखते हैं अब इनके डिफरेंशिएशन कैसे होंगे पांचों के। पांचों से आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, तो आप थोड़ा वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स अपना पहला क्वेश्चन है वाई की पावर एक्स इक्वल एक्स की पावर वाई। तो देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया था इसमें लॉग अपने को लेना पड़ेगा क्योंकि पावर में चर है। तो यहाँ चलिए मैं दोनों ओर ले रहा हूँ, ये सॉरी वाई की पावर एक्स है, यहाँ भी मैंने ये लॉग ले लिया, पावर आपकी आगे आएगी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स इंटू लॉग वाई इक्वल वाई इंटू लॉग एक्स। अब दोनों ओर का अपने को करना है डिफ्रेंसिएसन, तो वही फर्स्ट इंटू सेकेंड से आप चलेंगे। ठीक, तो यहाँ डी डब्ल्यू आर टी एक्स आपको लिख लेनी है, ये कॉमन स्टेप्स हैं, मैं आपको ट्रिक्स बता दे रहा हूँ। तो एक्स यहाँ पर आपका हो गया डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई प्लस लॉग वाई और डी डी एक्स हो गया किसका, एक्स का फर्स्ट इंटू सेकेंड। यही सिमिलर यहाँ होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड वाई, और ये आपका डी डी एक्स हो गया लॉग एक्स का प्लस लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स हो गया अपना किसका, वाई का। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स इंटू लॉग वाई का क्या होगा, वन अपॉन वाई। और जैसा कि अपन अस्पष्ट फलनों में पढ़ चुके हैं कि जो भी इम्प्लिक्ट फंक्शन यानी अस्पष्ट फलन होते हैं वाई के, उनमें डीवाई डीएक्स भी आएगा, क्योंकि आप कर किसके रेस्पेक्ट में रहे हो, एक्स के रेस्पेक्ट में, और फंक्शन किसका है, वाई का। तो पहले तो क्या है, आप इसको लॉग वाई का वन अपॉन वाई कर लोगे, लेकिन अब आपको डी डी एक्स वाई का भी अलग से करना पड़ेगा। प्लस में लॉग वाई एक्स का डिफरेंशियल वन हो गया, इसमें आगे चलते वाई इंटू लॉग एक्स का आपका वन अपॉन एक्स हो जाएगा, प्लस में लॉग एक्स इंटू डी वाई डी एक्स हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आप इधर ले आएंगे तो यहाँ कॉमन हो जाएगा डी वाई डी एक्स। तो यहाँ अपना बचेगा एक्स अपॉन वाई माइनस में लॉग एक्स, और यहाँ आपका हो जाएगा वाई अपॉन एक्स, ये लॉग वाई को आप उधर ट्रांसफ़र कर दो। अब कॉमन कैलकुलेशन है, कोई खास चीज़ नहीं, डिफरेंशियल अपना हो चुका है। तो यहाँ डी वाई डी एक्स, यहाँ वाई आपका एल सी एम है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स माइनस वाई लॉग एक्स हो जाएगा, यहाँ भी एक्स आपका एल सी एम आ रहा है, क्रॉस गुणा करेंगे तो एक्स माइनस एक्स लॉग वाई। क्लियर, अब डी वाई डी एक्स की वैल्यू के लिए आप इनको सेट कर दो, तो फाइनल आपकी डी वाई डी एक्स की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हुई, वाई ऊपर, तो वाई इंटू वाई माइनस एक्स लॉग वाई, और ये एक्स आपका इधर चला जाएगा तो एक्स इंटू एक्स माइनस वाई लॉग एक्स। तो इस तरह से ये आपका हो गया डी वाई डी एक्स। अब यहाँ देखो, इन क्वेश्चंस को करने से दो फायदे हैं अपने, एक तो आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन तो सीख ही रहे हो, और दूसरा क्योंकि यहाँ एक्स और वाई दोनों मिक्स में हैं, इसलिए अपन यहाँ पर जो है अस्पष्ट फलन यानी इम्प्लिक्ट फंक्शन भी साथ साथ क्लियर कर ले रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट, और इम्प्लिक्ट फंक्शन की पूरी डिटेल आपको जाननी हो तो मैंने एक पार्ट नंबर इसका 4 और 3 बनाया है, आप एक बार उसको भी देखना। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट यहां पर एक तरफ बहुपदी फलन है, दूसरी ओर चरघातांकी है। तो मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल तो कराया था व्यापक चरघातांकी का, अब ये दूसरा मैं आपको करा रहा हूँ चरघातांकी। जैसा कि मैंने बताया कि पावर में चर है, चाहे नीचे कुछ भी हो, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको लॉग लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ चलिए अपन लॉग ले रहे हैं, तो लॉग ऑफ एक्स वाई इक्वल लॉग ई की पावर एक्स माइनस वाई। अभी मैंने आपको बताया था कि लॉग एम इंटू एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। तो लॉग एक्स इंटू वाई स्टूडेंट क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। और जैसा कि हम जानते हैं कि पावर कहाँ जाएगी, आगे, तो ये आपका x माइनस वाई आगे आके ये आपका हो रहा है log e। अब जैसा कि log में आपने जनरली नियम पढ़ा है कि log e की वैल्यू 1 होती है। क्लियर, यहाँ e क्या है स्टूडेंट, e है आपका नेपियर कॉन्स्टेंट। ठीक, खैर ये बातें log की हैं, जब मैं log का चैप्टर आपको पढ़ाऊँगा तो ये सारी डिटेल में आपको वहाँ दूंगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, log x प्लस log y इक्वल x माइनस वाई, लॉग ई की वैल्यू तो 1 हो गई। अब ये तो हो गया अपना फंक्शन रेडी, आपको करना है डिफरेंशियल। चलिए स्टार्ट करते हैं, डी डब्ल्यू आर टी एक्स आप लिख लेंगे, मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको। लॉग एक्स हो गया 1 अपॉन एक्स, लॉग वाई हो गया 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई डी एक्स, एक्स का 1 हो गया, वाई का डी वाई डी एक्स।
आप डी वाई डी एक्स को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा वन अपॉन वाई डी वाई डी एक्स प्लस डी वाई डी एक्स, और ये वन अपॉन एक्स आप उधर ले जाओगे माइनस का हो जाएगा। तो कॉमन क्या है स्टूडेंट, यहाँ डी वाई डी एक्स, यहाँ आपका बचा वन अपॉन वाई प्लस वन, इक्वल में चल रहा है वन माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक है, अब यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन बची है वो देख लेते हैं। डी वाई डी एक्स इंटू एल सी एम क्या है, एल सी एम है वाई, और यहाँ क्रॉस गुणा वन प्लस वाई हो गया, नीचे भी आपका एल सी एम यहाँ हो जाएगा एक्स, और ये क्रॉस गुणा एक्स माइनस वन। चलिए तो यहाँ डी वाई डी एक्स इक्वल हो गया वाई ऊपर वाई इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इंटू वाई प्लस वन। क्लियर, तो बिल्कुल सिंपल है, आपको लॉग लेना है और डिफरेंशियल करना है। चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये ध्यान रहे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट एक फॉर्मूला भी है, एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशियल हम सभी जानते हैं एक्स की पावर एक्स लॉग ई एक्स होता है, लेकिन वो कैसे वो आप प्रूफ इसमें क्वेश्चन में भी देख लेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट एक क्वेश्चन है एक्स की पावर एक्स, जो कि आप देख सकते हो ये व्यापक चरघातांक की फलन है, क्योंकि नीचे भी वेरिएबल है और ऊपर भी वेरिएबल है। तो बात वही है, लॉग आपको लेना है, तो ये आपने लॉग एक्स की पावर एक्स कर दी, पावर आगे आएगी तो लॉग वाई इक्वल हो जाएगा एक्स इंटू लॉग एक्स। तो अब यहाँ डिफरेंशियल होगा, यहाँ आप फर्स्ट इंटू सेकंड से चलेंगे, तो लॉग वाई का क्या हो गया वन अपॉन वाई डी वाई डी एक्स, यहाँ आपको करना फर्स्ट इंटू सेकंड। कैसे, एक्स डी डी एक्स किसका स्टूडेंट, लॉग एक्स का, प्लस लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स किसका, एक्स का। चलिए देखते हैं, यहाँ पर वन अपॉन वाई डी वाई डी एक्स इक्वल एक्स इंटू लॉग एक्स का हो गया वन अपॉन एक्स, प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशियल वन हो जाएगा, ये कैंसिल वाई ऊपर। तो आप देख सकते हो वाई में ऊपर ले जा रहा हूँ, तो वाई की वैल्यू क्या है एक्स की पावर एक्स, तो आप चाहें तो इसको रख सकते हैं। अब यहाँ स्टूडेंट बन रहा है वन प्लस लॉग एक्स। अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि लॉग ई की वैल्यू वन होती है, तो क्योंकि लॉग ई की वैल्यू वन होती है तो आप जानते हो कि वन को अपन लॉग ई भी लिख सकते हैं, और ये एज इट इज चल रहा है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको कि लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होना चाहिए, लॉग एम इंटू एन, तो यहाँ भी वही हो जाएगा, तो ये आपका लॉग एम इंटू एन यानी लॉग ई एक्स हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर ये ध्यान रहे कि कहीं कहीं बुक में आपको लॉग बेस ई एक्स देखने को मिलेगा और कहीं कहीं लॉग ई एक्स, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये अलग है और ये अलग है। क्लियर, तो मैं लॉग बेस ई एक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉग ई एक्स की बात कर रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर पर। यह स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एक बार फिर से वही व्यापक चरघातांक की फलन है, तो जिसमें कि अपने को लॉग से करना है, तो देखते हैं यहाँ क्या हो जाएगा आपका log y इक्वल log ऑफ log x की पावर साइन x। क्लियर, पावर आप ले लेंगे आगे, तो log y इक्वल हो जाएगा आपका साइन x इंटू log ऑफ log x। ठीक है ना, अब इसको देखते हैं अपन आगे, तो यहाँ आपका वही डी डब्ल्यू आर टी एक्स आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये लिखते ही डिफरेंशियल स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड से होगा। तो log y का क्या है आपका वन अपॉन वाई डी वाई डी एक्स, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड क्या है साइन एक्स, और डी डी एक्स आप किसका कर दोगे लॉग ऑफ लॉग एक्स का, और प्लस ये सेकेंड क्या है आपका लॉग ऑफ लॉग एक्स ऐसे का ऐसा ही, और डी डी एक्स किसका स्टूडेंट साइन एक्स का। तो यहाँ आपका हो जाएगा वन अपॉन वाई डी वाई डी एक्स इक्वल। क्लियर, तो चलिए देखते हैं साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स, तो जैसा कि आप जानते हो लॉग एक्स का अवकलन क्या है वन अपॉन एक्स, तो इसका वन अपॉन लॉग एक्स हो गया। अब डी डी एक्स किसका करना अंदर वाले का यानी लॉग एक्स का, ये आपकी लाइन चल रही है लॉग ऑफ लॉग एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स हो जाएगा। चलिए यहाँ वाई की वैल्यू ऊपर ले लेते हैं, तो वाई की वैल्यू जैसा कि आप देख रहे हो क्या है लॉग एक्स की पावर साइन एक्स। अब यहाँ थोड़ी लास्ट स्टेप एक बन रही है, उसको देखना आप, साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स का अवकलन क्या है वन अपॉन एक्स, और अपॉन में लॉग एक्स एज इट इज पहले से चल रहा था।
यहाँ पर आप देख सकते हो कि cos x इंटू ये आपका चल रहा है log ऑफ log x, तो ये आपकी हो गई स्टूडेंट dy dx। अब देखिए लास्ट एक क्वेश्चन मैंने थोड़ा अलग तरह का लिया है, क्योंकि ये न तो व्यापक चर घातांकी है और न चर घातांकी है, फिर हम इसमें log का यूज क्यों कर रहे हैं। देखिए कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड होती है, तो आप log से इसको इजी भी बना के कर सकते हो। देखते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट y इक्वल रूट ऑफ x माइनस वन अपॉन x माइनस थ्री। अब वैसे तो ये एक बहुपदी परिमेय फलन है, लेकिन इसको भी अपन log से चाहें तो करके इजी कर सकते हैं। कैसे देखिए, पहले अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, log से डिफरेंशियल बाद में करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो इसको मैं एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री की होल पावर वन बाई टू लिख सकता हूँ रूट की वजह से। अब ये अगर मैं log ले लूँ तो ये आपने जो है यहाँ पर ले लिया log, पावर आपकी आगे चली जाएगी, तो log y इक्वल वन बाई टू। अब यहाँ आप देख सकते हो log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n, तो ये आपने ले लिया log m माइनस log n। क्लियर स्टूडेंट। अब यहाँ आप करोगे डिफरेंशियल। अब आप देख सकते हो जो इस तरह का परिमेय फलन था वो मैंने एक सिंप्लीफाई पॉलिनोमियल में चेंज कर लिया है। चलिए देखते हैं, तो log y का हो गया वन अपॉन वाई डी वाई डी एक्स, और अवकलन करेंगे log x का वन अपॉन एक्स, एक्स माइनस वन का आप जानते हो वन होना है, क्योंकि एक्स का वन वन का जीरो, यहाँ भी log x का आपका वन अपॉन एक्स हो जाएगा। y की वैल्यू आप ऊपर डाल देंगे, तो y की वैल्यू स्टूडेंट वापस कर दो, y की वैल्यू क्या है रूट ऑफ x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री। अंदर आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि LCM लेके आप फ्रैक्शन कर देंगे, ये सॉरी x माइनस वन माइनस ये चल रहा है, बाकी अगर नहीं भी करे तो डिफरेंशियल अपना हो चुका है। तो इस तरह ये था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि पहले तो लॉग के सीरीज लॉ क्या क्या हैं, लॉग का यूज करना कब है, तीन टाइप के फंक्शन में करना है, व्यापक चरघातांकी, चरघातांकी और तीसरा ऐसे फंक्शन जिनको कि सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत पड़े, और log का यूज कैसे करना उसके लिए मैंने आपको पांच एग्जाम्पल बताए। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी आरबीएसई की बुक्स में दे रखे हैं वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, और ऐसे ही नॉलेजफुल और मैथमेटिकल वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।